एक और अहम खबर है, नए तोशाखाना रेफरेंस में इतवार की छुट्टी के बावजूद नैब की टीम के अडियाला जेल आमद। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी तफ्तीश के लिए टीम के सामने पेश नहीं हुए। नैब टीम इंतजार करने के बाद जेल से रवाना हो गई। यह अहम खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश का मामला है। नैब की टीम अडियाला जेल में दोनों मुलजमान से तफ्तीश का छठा राउंड मुकम्मल नहीं कर सकी। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे यासिर हकीम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। यासिर बताएगा नैब टीम कितने बजे तक अडियाला जेल में रही, कितना इंतजार करना पड़ा। देखें, नैब टीम आज अपना तफ्तीश का छठा राउंड मुकम्मल करने के लिए अडियाला जेल पहुंची थी और तकरीबन अढ़ाई घंटे तक नैब की टीम जो है वो कॉन्फ्रेंस रूम में दोनों मुलजमान बुशरा बीबी और साबिक वजीर आजम बानी पे चेयरमैन पीटीआई का इंतजार करती रही कि आज वो अपना तफ्तीश का छठा राउंड मुकम्मल करके अपनी तफ्तीशी रिपोर्ट मुरतब करेगी और कल सुबह अदालत पेश करेगी। लेकिन दोनों मुलजमान को नैब ने जेल इंतजाम के जरिए मुतद्दद पैगाम भिजवाए कि वो कॉन्फ्रेंस रूम में आकर इस तफ्तीश के नए तफ्तीश में नए सवालात का जवाब दे, लेकिन दोनों मुलजमान अढ़ाई घंटे तक ना आए, जिसके बाद नैब की टीम जो डिप्टी डायरेक्टर की क्यादत में वहां पर पहुंची थी वो उनका इंतजार करने के बाद अब जेल से वापस रवाना हो चुकी है। और यू नैब की टीम आज तफ्तीश का छठा राउंड मुकम्मल नहीं कर सकी और इस हवाले से कल रिपोर्ट जो है वो बाकायदा तौर पर साफ अदालत में पेश की जाएगी और अब ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि कल नैब की टीम मुलजमान के मजीद जिस्मानी रिमांड। आपका शुक्रिया।